हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी में जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की जो है भर्ती निकली हुई है, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो 2015 का पेपर मैंने लिया उठाया हुआ है इस समय, जिसमें मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए जो है। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तुरंत एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो बैच जो है हमारे यहाँ हमारी कोचिंग में स्टार्ट हो चुका है जो है, और उसमें जो प्रवेश 1 जनवरी से जो है वो कोर्स जो है स्टार्ट होगा जो है। और उसमें अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके जो है उस कोर्स के बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड करवाते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा। इसमें पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे, द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल टू द पावर -1 इज वैलिड ओनली फॉर। देखिए, इस तरीके जो एक्सपेंशन होते हैं ना, ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, द्विपद प्रमेय किसी भी घातांक के लिए चैप्टर होता है उसमें, ये उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और इस तरीके की एक्सपेंशन तभी वैलिड होते हैं जब हमारा एक्स -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ध्यान रखिएगा, -1 और 1 पे जो ब्रैकेट होता है वो ओपन होता है, क्लोज्ड नहीं होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ये तथ्यों पे आधारित क्वेश्चन था, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पूछा जा रहा, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर और डिग्री पूछा जा रहा है। देखिए, ऑर्डर और डिग्री हम लोग तभी डिफाइंड करते हैं जब वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन फ्री हो। फ्रैक्शन फ्री करने के लिए, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर 3/2 पावर दिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन में है। इसको फ्रैक्शन फ्री करना है तो दोनों तरफ हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर होल स्क्वायर कर दे तो d2y/dx2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन फ्री हो चुका है। अब हम लोग करते क्या है, देखिए ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 2 है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2। अब डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है ना, उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारी डिग्री होती है। तो डिग्री भी कितनी हो गई, 2। यहाँ पे सम में पूछा गया कि सम क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री का सम क्या होगा। तो अगर हम लोग सम की बात करें तो 2 + 2 = 4, इसका सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बड़े सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। ठीक है, ग्रुप थ्योरी से आ गया है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इन द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप का मतलब ग्रुप में क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन किस चीज़ का है, मल्टीप्लीकेशन का है। पूछा था जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट आई इज इक्वल टू वाट। देखिए, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ऑर्डर निकालना है ना, तो उस आपको ये ध्यान रखना कि उसकी मैं कितनी पावर करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। मैंने जैसे कहा कि मैंने ए का एन पावर किया तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो मैं कहूंगा कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब सबसे पहले इसका मतलब ये है कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट खोजना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इसमें से मुझे एक ऐसा एलिमेंट खोजना है जिसको सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट वही आना चाहिए। मैं 1 के बारे में जरा सोचिए, 1 को मैं 1 में मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, फिर 1 को मैं -1 में मल्टीप्लाई करूँ तो -1 आएगा, 1 को मैं आयोटा में मल्टीप्लाई करूँ तो आयोटा आएगा, 1 को मैं -आयोटा में मल्टीप्लाई करूँ तो -आयोटा आएगा। इसका मतलब 1 जो हमारा है ना, वो किसका काम करेगा, इनवर्स का काम करेगा। सॉरी, 1 किसका काम करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि आई का आपको क्या होता है ना, ऑर्डर, मतलब आई की पावर मैं कितना रेज करूं कि यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये तो सभी को मालूम है ना। तो आई का पावर 1 मतलब लीस्ट पावर आपको देखना है ना, ये भी ध्यान रखना है कि लीस्ट पावर आपको देखना है ना। ऐसे तो आई का पावर 8 भी 1 होता है, आई के पावर 12 भी 1 होता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जो है 4 आएगी, है ना। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ आयोटा अगर लिखें, ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेक्टर से लिया गया है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज ऑन द वेक्टर बी इज गिवन बाय व्हाट। देखिए, किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन होता है, ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है,
आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी, और जिस पे निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। जैसे बी पे प्रोजेक्शन गिराया गया है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, अगर ए पे प्रोजेक्शन गिराया गया होता है तो ए के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब ए डॉट बी तो कैसे निकाला जाता है आपको मालूम है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आई का कंपोनेंट यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, तो टू वन जा कितना हो गया, टू हो गया। यहाँ पर जे का कंपोनेंट थ्री है, यहाँ पर जे का कंपोनेंट टू है, तो थ्री टू जा कितना हो गया, सिक्स हो गया। यहाँ पे के का कोफिशियंट कितना है, टू है, यहाँ पर के का कोफिशियंट वन है, तो टू वन जा कितना हो गया, टू हो गया। फिर बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का, वो आई जे के जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का सम कर देते हैं, तो वन का स्क्वायर, फिर टू का स्क्वायर, फिर वन का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, रूट सिक्स आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, सिक्स टू एट और टेन, टेन बाई रूट सिक्स आ जाएगा। ऊपर नीचे अगर हम लोग रूट सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, टेन रूट सिक्स बाई सिक्स आ जाएगा, टू से कैंसिल कर दें तो हमारा जो प्रोजेक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फाइव बाई थ्री रूट सिक्स आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 इज व्हाट। तो सबसे पहले इस एलिप्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, तो दोनों तरफ हम लोग 225 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपन 9 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपन 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, आपको ए तो पता लग ही रहा होगा आपको, है ना, ए स्क्वायर कितना ही पता लग रहा होगा आपको, ए स्क्वायर कितना है 9 है और बी स्क्वायर आपका कितना है 25 है। हम लोग एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके की बातें के लिए हम लोग को बस एक एक रिलेशन याद रखना रहता है कि जो छोटा नंबर होता है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी एक से कम होती है, ई हमारा जो क्या होता है लेस देन वन होता है, इसका मतलब यहाँ पे हम वन माइनस ई स्क्वायर लिखते हैं, और यही चीज़ हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस वन हो जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ए स्क्वायर 9 है और बी स्क्वायर कितना है 25 है और 1 माइनस ई स्क्वायर, ई को ही हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका अगर ई स्क्वायर की बात करें तो 1 माइनस 9 बाई 25 आ जाएगा, 25 माइनस 9 मतलब 16 बाई 25 आ जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी हमारी 4 बाई 5 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इस सेंस में है जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, कहा जा रहा अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की पावर 2016 प्लस बीटा की पावर 2016 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करूँ या जिसको सिद्धाचार फार्मूला बोलते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये मिलेगा। थोड़ा और अगर मैं व्यवस्थित तरीके से लिखूँ तो क्या मिलेगा हमको, वन प्लस माइनस ये रूट थ्री आयोटा हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस थ्री बनेगा, अंडर रूट में माइनस थ्री को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट थ्री आयोटा बाई टू, मतलब इसके जो दो रूट्स बन गए, पहला क्या बन गया वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, और जो दूसरा बन गया वो कितना हो गया, वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे अब इसका पावर जो है 2016 करना थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होगा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना, ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाले टॉपिक से लिया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इससे ऊपर वाले को कंपेयर करें अगर हम लोग जो है ना, तो ये सेकंड वाला जो देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। अब जो है यही तो अल्फा बीटा थे ना, इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा है वो कितना आ गया, हमारे पास अल्फा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बीटा हमारे पास कितना आ गया, माइनस ओमेगा आ गया, ठीक है। अब अल्फा की पावर मुझे कितना करना था, 2016, ठीक है, और प्लस बीटा की पावर मुझे क्या निकालना है, 2016, ठीक है। इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2016 और प्लस माइनस ओमेगा की पावर कितना निकालना है, 2016, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे ऊपर जो जो पावर लगा वो इवन है, इसका मतलब ये माइनस गायब हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4032 और प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा, 2016 आ जाएगा। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होती है कि ओमेगा क्यूब हमेशा वन होता है, थ्री से आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है, तो थ्री वन जा कितना आ जाएगा, थ्री बचा वन टेन, थ्री थ्री जा नाइन बचा वन थर्टीन, थ्री फोर जा ट्वेल्व बचा वन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ठीक है। और इसको भी आप थ्री से डिवाइड कर दीजिए, तो थ्री सिक्स जा एटीन बचा टू, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री टू जा सिक्स, ओमेगा क्यूब वन होता है, वन की पावर कुछ भी किया जाए
वन ही आएगा, और यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब वन होता है, वन की पावर कुछ भी किया जाए तो वन ही आएगा, इसका मतलब वन प्लस वन इज इक्वल टू टू आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शंस में देखें हम लोग तो टू हमारा, टू के साथ मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया, सर्कल टॉपिक से लिया गया, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए सबसे पहले जब भी आपको कॉमन टेंजेंट की बात की जाए ना, तो उस सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको निकाल लेना चाहिए। ठीक है, देखिए सर्कल का जनरल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। और इसका जो सेंटर होता है वो कितना होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है। और इसका रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस जो होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और अगर हम लोग बात करें कि अगर देखिए दो सर्कल जब जो है ना एक दूसरे को बाहर से जो जब टच करते हैं, इसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है, इनके जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना सी वन सी टू, वो किसके बराबर, सी वन और सी टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो रेडियस के सम के बराबर हो जाता है। ये आर वन है, ये आर टू है, तो सी वन सी टू इज इक्वल टू क्या आता है, आर वन प्लस आर टू। अगर ऐसा आया तो समझ लेना को दोनों सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, और उस केस में जो उस सर्कल पर तीन कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड, और एक कॉमन टेंजेंट हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा हो गया, तीन कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। तो आइए हम लोग सेंटर को चेक कर लेते हैं फटाफट। पहले के सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो माइनस जी माइनस एफ का मतलब टू कॉमा थ्री, पहले का सेंटर हो गया। रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की बात करें तो कितना आ जाएगा, प्लस थ्री ये कितना आ जाएगा, सिक्सटीन, रूट सिक्सटीन का मतलब फोर आ जाएगा। ठीक, दूसरे के सेंटर की बात कर लेते हैं तो सेंटर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब रेडियस कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक, सी वन सी टू हम लोग निकाल लेते हैं, तो सी वन सी टू कितना आ जाएगा, सी वन और सी टू के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर मतलब फाइव आ जाएगा। और अगर आर वन प्लस आर टू की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आर वन प्लस आर टू हमारा कितना आने वाला है, आर वन है फोर, फोर प्लस वन कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्लियरली सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू कितना है, आर वन प्लस आर टू आ गया। इसका मतलब तीन कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पैराबोला से लिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है क्वेश्चन जो है। पूछा जा रहा था एंगल मेड बाय द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द लेंथ एट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स इज इक्वल टू वाट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, तो पैराबोला का सेप ऐसा बनेगा। डबल ऑर्डिनेट एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट तो पैराबोला पे लाई करते हैं, और ये वाली जो लाइन जो डबल ऑर्डिनेट होता है वो एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और कहा गया डबल ऑर्डिनेट की लेंथ कितनी है, एट यूनिट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर यूनिट है ऊपर वाला, क्योंकि पैराबोला तो सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, ऊपर वाला फोर होगा, नीचे वाला भी कितना होगा, फोर होगा। ठीक, ये कहा जा रहा है कि ये जो डबल ऑर्डिनेट है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, ये कितना एंगल सबटेंड करता है, तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ये। तो अब थीटा निकालने के लिए देखिए ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, फोर हो गया, तो मैं बेस बस निकाल लूँ इसमें, तो मैं कह देता हूँ कि जो लेंथ है ना ओ से लेकर ए तक की जो लेंथ है, मैं इसको एल मान लेता हूँ, ओ से लेकर या ए तक की लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एल कामा फोर, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एल और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया फोर। वी एल कामा फोर पैराबोला पर लाई करता है, पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो वाई स्क्वायर का मतलब 16 और फोर एक्स का मतलब फोर एल, तो यहाँ से एल की वैल्यू फोर आ जाएगी। इसका मतलब कि एल इज इक्वल टू फोर आ गया, तो इस ट्रायंगल में जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, मैं इसको बाहर यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना है, थीटा है, और ये कितना है, फोर है, और इसको अभी आपने कितना निकाला, फोर निकाला। इस ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा अप्लाई कर दूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब वन आ जाएगा, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, मतलब पाई बाई फोर आ जाएगा। तो टोटल एंगल कितना है, टू थीटा है, टू थीटा का मतलब टू पाई बाई फोर, टू पाई बाई फोर का मतलब पाई बाई टू। तो ये जो डबल ऑर्डिनेट है वो सेंटर पे जो है वर्टेक्स पे पाई बाई टू एंगल क्या करेगा, सबटेंड करेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए जनरेटर्स क्या होते हैं साइक्लिक ग्रुप के, अगर इसकी हम लोग बात करें तो एक ऐसा एलिमेंट होता है, अगर जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसकी कुछ पावर करते जाएं तो वो जो है जो ग्रुप होता है ना वो पूरा का पूरा जनरेट हो जाता है। तो देखिए जनरेटर्स निकालना के लिए एक फार्मूला होता है, बहुत सिंपल है। जैसे उसका ऑर्डर कितना है ग्रुप का ऑर्डर है 10,
ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, 10 से छोटे आपको जो है पॉजिटिव ऐसे को प्राइम, मतलब 10 के को प्राइम नंबर्स निकालने हैं। को प्राइम का नंबर का मतलब ये हो गया कि 10 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका एस सी एफ 10 के साथ लिया जाए तो 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 का अगर एस सी एफ हम लोग 10 के साथ लें तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 जन, इसका मतलब ये हो गया कि 1 इसका जनरेटर हो सकता है। 2 का अगर एस सी एफ लिया जाए 10 के साथ तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये जनरेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो फिर 3 की अगर हम बात करें, 3 और 10 का अगर एस सी एफ की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हमारे काम का है। ठीक है, तो ये जनरेटर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से, को प्राइम नंबर 10 के साथ को प्राइम कौन कौन नंबर होंगे, 1 होगा, एक तो 3 होगा, और फिर 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर और 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, तो ये 4 मिलेंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर जी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज व्हाट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर अगर हम उस ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें और उस पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट को अप्लाई करवाएं तो वही एलिमेंट फिर से वापस आना चाहिए, तो ई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अगर मैं इस फार्मूले में लगा हूँ जो ए स्टार बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अगर ए स्टार ई लगाऊँ तो वो कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए, और ए स्टार ई कितना आएगा, ए ई बाई टू इज इक्वल टू ए आएगा, ए ए को काट दीजिए तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 2 है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।